अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है नाबिर, आप देख रहे हैं दिव्या। सो गाइस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। सो गाइस, आज ईद का पहला दिन है, यानी चांद रात हो गई, गुजर गई है और हम चांद रात में बहुत इंजॉय किया। और मैं वीडियो ही बना सकी गाइस पकड़ूंगी, लेकिन आज मैं आपको सब दिखाऊंगी। सो पहला दिन है और अभी हम लोग क्या कटी, यानी हमारा हिस्सा है गाय में, मेरी फ्रेंड के गाय में हमारा हिस्सा है। सो बहुत अच्छी गाय वो, तो आपको वो भी दिखाऊंगे, बहुत मासूम सी है। और आज कुर्बानी है तो थोड़ा सा रो भी जाऊंगी मैं जब गाय कुर्बानी, क्योंकि अटैचमेंट इतनी नहीं है, लेकिन गाय से अटैचमेंट मेरी है बहुत ज़्यादा। सो चलो देखते हैं फिर क्या होता है। और अभी मैं अभी अभी मैं नमाज़ पढ़ी है मैंने फजर की, उसके बाद मैं नहाई, अभी कुछ खाते हैं, उसके बाद कपड़े अच्छे अच्छे नहीं पहनेंगे, यही पहनेंगे क्योंकि खून खून होगा नीचे, तो ये वाले कपड़े पहनेंगे और अच्छे से तैयार होकर चलते हैं फिर हम लोग नीचे। गाइस, मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाना तो भूल ही गई, सोच रहा आपको मेहंदी नहीं दिखाती। सो गाइस, इस हाथ की ये वाली मेहंदी है और इसके पीछे नहीं है, और इस हाथ की ये वाली मेहंदी है, इस पर लिखा हुआ है ईद मुबारक, और ये है शीप, इस पर लिखा है गोश हमें हमको भी तो मिलना चाहिए कि नहीं। सो ये बहुत क्यूट सा शीप है और मेहंदी बहुत अच्छी है। सो गाइस, चलो कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या खाऊंगी, और फिर नीचे चलेंगे। 6:30 अजान होगी ईद की, तो फिर चलेंगे नीचे और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा रो भी जाऊँगी, तो नहीं रोऊंगी नहीं, कोशिश करूँगी नहीं रो, क्योंकि गाय बहुत प्यारी है, आप लोगों की गाय दिखाऊँगी और गाय बहुत प्यारी, और सारे बकरे दिखाऊँगी, पिछली बार नहीं दिखाए। और इस चाय की सबसे जो नंबर वन है गाय है वो मूसा कैटल फॉर्म से आई है, सही है, और उससे मतलब वो भी एक और कैटल फॉर्म से आई है, वो मारखोर कैटल फॉर्म से आई है, वो भी बहुत अच्छी है, और ये सही पहले दिन कुर्बान हो जाएगी। और हमारी जो गाय है वो पहले दिन कुर्बान होगी, और पहली दफ़ा के मतलब कि सबसे पहले कुर्बान होगी, तो बहुत ज़रूर वो होगा, ताकि तीसरे दिन भी कट सकती थी लेकिन नहीं कटी। आप क्या करते हैं, चलो कुछ खाते हैं जल्दी से फिर नीचे। सो गाइस, फ्रिज में कुछ आता नहीं, बस यही कोल्ड ड्रिंक पड़ी है तो हमें यही पीनी है। ओके, तो गाइस ये मैं कोल्ड ड्रिंक ले आई हूँ, बस यही पड़ी हुई थी, और मैंने हम लोग चांद रात की वजह से मैं सारा दिन नीचे थी, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ मेरा चांद रात के दिन रोज़ा था तो मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा खाया था, और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया, वो भी छोटा वाला। और अभी अभी मैंने गुलाब जामुन खाए दो। ओके, इसके वो चलो कोल्ड ड्रिंक फिनिश करके मिलते हैं। सो गाइस, जितनी कोल्ड ड्रिंक पीनी थी मैंने पी ली, सो मैं आपको अब दिखाती हूँ बाहर। गाइस, आप मौसम देख सकते हो कैसा हो रहा है, सुबह हो गई है, अब वहाँ पे गाय और बकरे हैं, बकरों के पास अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि रात हो रही है। अभी अभी मैं शायद अभी 4:30 बजे मैं ऊपर आ गई, क्योंकि 4:30 बजे तो ऊपर आना ही था, और बहुत मज़ा आया मुझे गाय के साथ, लेकिन अभी भी चलेगा, बहुत मज़ा करेंगे। पूरा दिन जग रहे हैं तो मैं थोड़ी सी जगह नैप ले रही हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ ईद की नमाज़ के वक्त। सो गाइस, मैं अब नैप ले कर उठ गई हूँ, और गाइस मैं बीच की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि नीचे नमाज वगैरह की, और अब मुझे नीचे भी जाना था, तो मैं सो गई थी, और मैं मुझे सब लोगों ने टाइम में दोस्त भी आई थी, लेकिन मैं उठ नहीं पाई, तो उसके वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन मैंने हाँ दो गायें ज़रूर करते हुए देखी, और जो मेरी ट्यूशन में वाली बाजी के बकरे थे वो दो थे, और एक का नाम था ओरियो, एक का नाम था शेरू, वो कटे तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, मतलब वो कट गए थे मेरे जाने तक, लेकिन उनकी जो बॉडी थी ना वो दिख रही थी, मतलब आधी खाल उतारी हुई, तो मैं बहुत घरा गिर रही, मुझे उनके याद आई जिनके छलांगे वगैरह। तो अब मैं आपको अपने ईद के कपड़े दिखाती हूँ। सो ईद के कपड़े कपड़े और जूते हैं आपके हैं, सो चलो आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी शर्ट, फर्स्ट डे की क्यूट शर्ट है, और ये मेरी पेंट रिप जींस जैसी है, ये फटी हुई नहीं है, और सिर्स जॉगर्स पिंक कलर के बहुत क्यूट्स हैं। और आप बोलोगे सेकेंड एड के और थर्ड एड के कपड़े का,
वो आपको सेकेंड ईट और थर्ड ईट के व्लॉग में ही मिलेंगे। सो चलो, अभी तो मैं तैयार नहीं होंगी, लेकिन जब हम कहीं जाएंगे तो मैं ज़रूर तैयार होंगी। और अभी कोशिश करते हैं कि मैं आपको नीचे का माहौल दिखाती हूँ। चलो सर, अब मैं आपको डायरेक्ट तैयार कर गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। लाइट से मेकअप किया, बेबी मेकअप किया, सो इतनी अच्छी लग रही होगी। लेकिन अब मैंने कपड़े वपड़े नहीं किए, अभी मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पर मिलती हूँ जहाँ पर मैं जा रही हूँ। गाइस, मेरी दुखी कहानी आप लोग भी सुने। क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे जा रही थी, मुझे व्लॉग शूट करना था, तब फ़ोन हो गया था डेड, तो इस वजह से फ़ोन में मैं वीडियो नहीं बना सकी। और फिर जब मैं जा ही रही थी तो मेरे कपड़ों पर मैं खा रही थी, वो गिर गया। और फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मतलब मैंने जो थर्ड ईट की कमीज थी वो मैंने फर्स्ट ईट पर पहन ली। अब सेकेंड ईट के जो कपड़े हैं वो सेकेंड ईट पर पहनूंगी, और जो फर्स्ट ईट के अगर वो शर्ट सही हो गई तो मैं थर्ड ईट पर पहन लूँगी, वरना जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं मैं वही पहन लूँगी। सो गाइस, एक तो मेरी लाइफ में से होता ही है। सो मैं शूट नहीं कर पाई और वीडियो इतनी अच्छी भी नहीं बनी। कुछ नहीं होता, चलो अब मैं सेकेंड डे की वीडियो बिल्कुल अच्छे से बनाऊँगी और फुल बहुत अच्छे से बनाऊँगी। सही है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।